दीपेंद्र हुड्डा ने जींद में कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में उसके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के भाजपा नेता अनंत हेगड़े ने कहा है कि 400 पार का नारा इसलिए दिया है ताकि दो तिहाई बहुमत मिलने पर संविधान में बदलाव कर सके। उन्होंने कहा कि अनंत हेगड़े के बयान से भाजपा की कुटिल रणनीति का खुलासा हुआ है, लेकिन संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मेहनत से संविधान को बनाया था। कांग्रेस किसी भी हालत में संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह जनता की इच्छा के अनुरूप ही रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जेजेपी का जनाधार पूरे हरियाणा से खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ही जेजेपी को गठबंधन में कोई अहमियत नहीं दे रही है, इसलिए जेजेपी पर बात करना समय की बर्बादी करना है। चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? किसको प्राथमिकता देंगे, राज्यसभा या लोकसभा की? देखिए, ऐसा है, मैं लोगों को प्राथमिकता दूंगा। मैंने हमेशा लोगों को ही प्राथमिकता दी है, और मैं समझता हूँ कि रोहतक के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं जी, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। और मैं जो है इसमें कोई कभी कोई संशय नहीं रहा। अलग अलग तरीके की बातें, कभी कोई मेरा कोई दूर विरोधी जो है वो तो ये कह सकता है, लेकिन कभी एक क्षण के लिए भी इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर से ना सिर्फ रोहतक लोकसभा चुनाव सीट से मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मगर लोगों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है रोहतक में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहाँ की जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रखने का काम करेगी। बहुत बड़ा झटका दिया है आपने बीजेपी को पिछले एक वर्ष या पिछले सवा वर्ष से, जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से हाईकमान ने चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, तब से लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। लगातार पिछले सवा वर्ष में 35 से अधिक विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और हरियाणा के अंदर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का। इसके बावजूद भी भाजपा ही सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? पब्लिक समझेगी नहीं समझेगी? पब्लिक समझ चुकी है। आपको मैं एक खुशखबरी बता रहा हूँ प्रेस के साथियों कि आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ, आप देखना, क्योंकि मैं तो देखो आप जानते हो मैं तो जमीन से जुड़ा आदमी हूँ जी। मैं तो कोई एक दिन भी अपना घर नहीं रहता किसी गांव किसी शहर में। गरीब जनता समझ चुकी है, व्यापारी समझ चुका है, काम धंधे बंद हो गए, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, आज हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि इन्होंने प्रदेश के युवा के रोजगार को राजनीतिक औजार बनाने का काम कर किया, जिसमें 5 साल तक पद निकालते नहीं, आखिरी साल में चुनाव से पहले ग्रुप डी ग्रुप सी निकाल देते हैं। 2019 में ऐसे ही किया, आपको होगा, जिन चुनाव के पहले निकाल दिया, उसके बाद 5 साल से कोई लिस्ट नहीं आई बड़ी। जो बड़ी पोस्टों की लिस्ट आई मात्र कुछ, उसमें सिलेक्शन हुए, लेकिन उस सिलेक्शन में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगा दिए। वो कहां से, वो भारतीय जनता पार्टी ने किसके आदेश पे वो किया, इसी सरकार ने बताया सरकार कि हरियाणा के नौजवान काबिल नहीं थे। और 5 साल के बाद सडनली जब इलेक्शन होता है, इतने 5 साल लोग ओवरएज हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, कोई पलायन करके विदेश चला जाता है, क्योंकि 5-5, 10-10 साल युवा इंतजार नहीं करेगा, कोई नशे की चपेट में, कोई अपराध, आज अपराध में चला जाता है, आज की स्थिति क्या होगी प्रदेश में। उसके बाद एक लिस्ट निकालते हैं और ग्रुप डी में जो है मोस्ट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनको ग्रुप डी में लगा देते हैं, जिसमें से आधे ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं, और फिर वो पोस्ट खाली हो जाती है, और फिर 5 साल के बाद फिर उनको एडवर्टाइज करके लगाने का काम करते हैं। ये क्या है, ना निवेश हुआ, ना सरकारी नौकरी सरकार ने दी, केवल अपने प्रचार के लिए, क्योंकि इन्होंने एक प्रचार का वो कर दिया, एक अपने प्रचार के लिए हरियाणा के नौजवान के भविष्य को इन्होंने चौपट करने का काम किया, उसको बेरोजगारी की चौराहे पर हरियाणा के नौजवान के भविष्य कर दिया, आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान फिर चला गया। देखो आप,
आज गैंग आ गए। जब हुड्डा सरकार थी यही वो गैंग थे, माफिया था, चौटाला राज में माफिया चलता था, जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी 2004 से पहले, उनका सफाया हुड्डा साहब ने आते ही किया। और हरियाणा में अमन चैन छा, खुशहाली का 10 साल का राज रहा। अब दोबारा से बेरोजगारी गरत में हरियाणा का नौजवान, जहां दूध दही का खाना था, नशे में नंबर वन हरियाणा बन गया, और जहां अमन चैन शांति थी वहां हत्या दर में देश में नंबर दो, अपहरण फिरौती दर में देश में नंबर एक, और हर रोज धनाधन गोलियां बरसाई जा रही हैं कहीं किसी व्यापारी पे, और बड़े बड़े गैंग, कोई पहले तो जेलों से, चौटाला राज में गैंग जेलों से चलते थे, इनके गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। खट्टर सरकार में वही गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं, विदेशों में बैठे बैठे लोग उन गैंग्स को चलाने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि अंडर एज शूटर पंजाब और राजस्थान में भी कोई किलिंग होती है तो अंडर एज शूटर हरियाणा का मिल रहा है। आप ये स्थिति देखो, ये इनकी 10 साल की सरकार की यथास्थिति है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ, ऐसे में कांग्रेस की आपकी नैया तो डूबेगी, दिल्ली में जो केजरीवाल उनको सीटें दी उनको भी लेकर डूबेगी। देखिए अब मैं जो है अब मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, जिस पार्टी का गठबंधन 100 बार बीजेपी घोषित कर चुके हैं कि हम 10 की 10 सीटें पर लड़ेंगे, तो यानी कि उनकी सहयोगी पार्टी ये मान रही है उनका गठबंधन ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिपके हुए हैं एमपी साहब। तो जनाधार जिस पार्टी का ना हो उस पर मैं अपना कोई कमेंट करके आपका मेरा और दर्शकों का टाइम क्यों खराब करूं? एमपी साहब बीजेपी ने 400 पार्टी पे कोई टिप्पणी करना जनता का टाइम खराब करना है, जनाधार उनका बचा नहीं है, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, इसको बीजेपी की कोई अंदर की बात है या कांग्रेस किस रूप में 400 पार को देखिए? ये दो तीन बातें हैं, पहले तो बीजेपी के जो नारे रहते हैं वो कभी जनता के हक में नहीं होते। हरियाणा में दिया 75 पार, अब दे दिया 400 पार। हमारे नारे जनता के लिए, तो वो उनके लिए नारे हैं कि हमारी इतना संख्या है, हमारी इतना संख्या है, अपने लिए होते हैं, हमारे जनता के लिए होते हैं। बीजेपी के लिए 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन करो 6000, ये फर्क है, हम जनता के नारे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आनंद हेगड़े जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं, उनका कल बयान आया कि हमने 400 पार का नारा इसलिए किया, 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, और संविधान को बदलने के लिए 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए, इसीलिए हमें 400 पार सीटें का हमने लक्ष्य रखा है। आनंद कुमार हेगड़े जी, मिस्टर आनंद कुमार हेगड़े जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा की धरती से आपके पास संदेश पहुँचे मीडिया के माध्यम से, ये संविधान वो संविधान है जो हमारी देश को जब आज़ादी मिली, देश के बहुत तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ दी तब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद सब ने बाबा साहब के नेतृत्व में मिलकर देश के हमारे महापुरुषों ने, संविधान सभा ने दिन रात एक करके 3 साल पुरुषार्थ करके संविधान, जिस संविधान की नींव पर ये देश आगे बढ़ पाया, ये वो संविधान है जिस संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत अंकित हैं। इस संविधान को मैं अनंत कुमार हेगड़े जी को बताना चाहता हूँ, आप कितना ही प्रयत्न कर लो, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। इस संविधान को भाजपा के जो ये कुप्रयास है, इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने देंगे।